बॉलीवुड में वेटेरियन एक्टर ऋषि कपूर आए दिन अपने गुस्से को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने ही रहते हैं। ट्रॉलर्स पर भी गुस्सा निकला था ऋषि कपूर का अभी कुछ दिनों पहले, लॉकडाउन में भी जब कुछ लोगों ने उन्हें ट्रॉल कर दिया था। ऋषि कपूर ने अलर्ट कर दिया था उन ट्रॉलर्स को कि अगर और उन्हें ट्रॉल किया गया तो वो उन सभी के अकाउंट्स को डिलीट कर देंगे और उनके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। अब ऋषि कपूर को शॉर्ट टेम्पर्ड एक्टर माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ऋषि अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। लेकिन ऋषि कपूर के गुस्से की बात हो रही है तो हम कैसे भूल सकते हैं। वाकई में बॉलीवुड टाउन के वेटेरियन एक्टर ऋषि कपूर का ये गुस्सा कई बार उन्हें सालों सालों तक सुर्खियों में रखता है। वेल, लास्ट ईयर दिवाली पार्टी की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, लॉकडाउन की वजह से बॉलीवुड में अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ भी पार्टी फंक्शन नहीं रखा जा रहा है और सभी अपने घर पर कैद हैं। ऐसे में ऋषि कपूर भी अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय गुजार रहे हैं। और इन सब के बीच ऋषि कपूर की जो ज़िंदगी है कितनी ख़ास बन गई है, कैसे ऋषि कपूर अपने ख़ास अंदाज से जो हमेशा ही हंसते मुस्कुराते लोगों की तारीफ़ों में रहते हैं, वो गुस्से में लास्ट ईयर दिवाली पार्टी में अपनी पत्नी को एम्बैरेस कर गए थे। बता दें ये तस्वीरें एकता कपूर की दिवाली पार्टी की हैं, जहां ऋषि अपनी पत्नी नीतू के साथ पहुंचे और वहां पर ऋषि कपूर को कैमरा पर्सन्स पर गुस्सा आ गया। दरअसल कैमरा पर्सन्स का जिद करना और मीडिया रिपोर्टर्स का उन पर भारी पड़ना, उन पर शोर शराबा कर उन्हें इरिटेट करना पसंद नहीं आया, जिसके बाद ऋषि कर गए गुस्सा और नीतू उनका हाथ छोड़ आगे निकल पड़ी थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम, तृप्ति की रिपोर्ट।